पुण्यात्मा ही समर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी और साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो, देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा। आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या। लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमज़ोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो। फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे। अब परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करते सारी ब्रह्मांड के रचने वाले, वो एक शब्द से और एक सेकंड में इतना अलीशान मकान बना सकते हैं एक वचन से, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड और सब सूर्य और ये चांद सितारे बन गए और ये सब जीव जंतु ये पौधे परमात्मा के एक वचन से बाग लग गए। तो क्या वो अच्छे महल बनाकर नहीं रह सकते थे इस पृथ्वी पर? काशी बनारस में वो जुलाहे का काम करके क्यों दिखाया उन्होंने, क्यों एक झोंपड़ी में टाइम पास किया कि बच्चों आपको बस इतना ही पर्याप्त है इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में तुम बड़े बड़े व्यवस्था करने चाहते हो तो तुमने भांग पी ली। आपको ये जेल महसूस हो नहीं रही क्योंकि आपको नशा करा दिया इसने। अब ये परमात्मा का ज्ञान एंटीबायोटिक काम करेगा, ये आपका नशा उतारेगा और फिर आप होश में आओगे, फिर आपको यह जेल दिखाई देगी। जब आपको ये जेल दिखाई देगी तो इससे निकलने की आप चेष्टा भरसक करोगे। और अब परमात्मा ने बता दिया, चेष्टा की तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटेड मोक्ष होगा, गारंटेड मोक्ष होगा, ये भगवान की बताई वाणी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।